Uh, good morning students so in our last lecture we discussed about the electrical field due to a infinite long straight conductor or a wire okay? so in this case we have considered that the wire is very thin and the length of the wire is very large okay so if we want to calculate the electrical field in that case Okay. So, in that case, the electrical field can be calculated uh, by uh, forming a Gaussian surface around that long straight wire. And we are considering only a very small part of the uh, wire. And uh, we can draw a Gaussian surface around that wire. And uh, the point P, where we want to calculate the electrical field strength in the in the case of a long straight current carrying conductor then we are drawing a gaussian surface okay and case of a long straight current carrying conductor the shape of the gaussian surface is cylindrical shape okay it is in cylindrical shape so in that case when we calculate the electrical field strength then we see that it comes out to be e is equal to lambda by 2 pi epsilon naught okay and r where यू ऑल नो वट इज द वैल्यू ऑफ आर ठीक है सो आर इज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज द पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर वी वी आर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील स्ट्रेंथ और आप हमेशा याद रखना अगर आप आठ डिस्टेंस जैसे ये आपके पास स्ट्रेट वायर है तो आठ डिस्टेंस आपने यहां से यहाँ लिया है अगर आठ डिस्टेंस आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लोगे ठीक है या फिर आठ डिस्टेंस आप यहां से यहां लेंगे या आठ डिस्टेंस इन द अवर डायरेक्शन लेंगे सो वी सी दैट इन दैट केस इलेक्ट्रिकल फील्ड ओनली डिपेंड अपॉन लैमडा एंड आर अगर आर की वैल्यू आप सिलेंडर जब आप कंसीडर करते हो तो आठ डिस्टेंस पे कर्व सरफेस पे जहां भी आप देखोगे द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वो सेम आएगी ठीक है वो एक है तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दो तो आपकी इन्फेनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड ओनली डिपेंड अपॉन आर ठीक है दिस इज योर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इफ आर इज नियर टू द स्टेट कंडक्टर देन द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इफ आर इज लेस देन द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर व्हेन यू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर देन वी सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजिंग ओके सो इन दिस केस इन्फाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है कैसी आती है आपकी नॉट कॉन्स्टेंट और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉन्स्टेंट ना हो तो उस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ठीक है तो आप ये लर्न करेंगे अब आपके पास सेकेंड केस आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है और द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इन्फानाइट प्लेन शीट यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलिए थिन मीन्स आपने एक शीट कंसीडर करनी है और उस शीट में जो आप कंसीडर करोगे उसकी आप जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट नेगलिजिबल ही कंसीडर करेंगे ठीक है जो आपकी वैल्यू आएगी उसकी शीट की सो so आपने जो एक वायर कंसीडर सॉरी ये जो शीट कंसीडर करेंगे वो आप बिल्कुल प्लेन शीट कंसीडर करोगे ठीक है और वो ऐसी होगी ठीक है यू कैन कंसीडर दिस एज अ प्लेन शीट ठीक है बट इसमें बोला इन्फाइट प्लेन शीट इनफाइनाइट मतलब जो आपकी शीट आप कंसीडर कर रहे हो उसका एरिया बहुत बड़ी शीट आपने कंसीडर किया जैसे लास्ट केस में हमने कंसीडर किया था जो हमने वायर ली थी उसकी लेंथ कैसी थी इन्फाइट थी तो उसकी लेंथ हमने बहुत ज़्यादा कंसीडर की थी तो उसके केस में हम स्मॉल पार्ट से कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी वैसे ही आग आपके पास एक इन्फाइट प्लेन शीट होगी तो ये मेरे पास इनफेनाइट इसको आप इनफाइनाइट कंसीडर करो जबकि ये इनफाइनाइट नहीं है ये सिर्फ मैं आपको एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली ठीक है तो आप इस शीट को एक इनफाइनाइट कंसिडर करो ठीक है जिसका एरिया इस शीट बहुत बड़ी है जिसका एरिया हम हमें नहीं पता कितनी है तो हम क्या करेंगे इस पूरी शीट के ऊपर आपने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है ठीक है पूरे पार्ट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने प्लस चार्ज अब ये ऐसी है इसकी आपने थिकनेस कितनी कंसीडर करनी है नेग्लिजिबल थिन शीट है ये अगर आप इसके बैक साइड पे चले जाओगे तो बैक साइड भी वैसे ही कंसीडर करना है आपने प्लस 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 यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया आपने ठीक है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि वेन एवर वी डिस्ट्रीब्यूट ए चार्ज ओवर अ एनी शीट ये एक आपका प्लेन शीट है तो आप इसका लेंथ और आप ब्रेथ की बात करोगे तो उसमें मेरे पास लेंथ भी है मतलब एरिया पे आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो पिछले केस में वायर के केस में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ एक लेंथ पे किया था देअोर उस केस में हमने जो फॉर्मूला लिया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लिया था लैमडा का बट इस, इस में आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज़ ओवर द एरिया ऑफ द शीट तो यहाँ पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की है वो कैसा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द सरफेस तो यहाँ पे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो लैमडा नहीं आएगी जो आप सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिग्मा लिखी जाती है और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अगेन अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो चार्ज अपॉन लेंथ आता है जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम तो चार्ज अपॉन एरिया आता है ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें ठीक है तो ये प्लेन शीट का डायग्राम मैं बाद में बताऊंगी पहले आप इसको देखो ये मेरे पास रखी है यहाँ पे ठीक है अब आपने क्या किया अब ये मैंने बीच में गैप छोड़ा है इसमें भी चार्ज है ठीक है यहाँ पे भी आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे भी चार्जेस है वैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है लेकिन यहाँ पे भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ठीक है आप ध्यान से सुनिएगा जैसे आपकी इसकी एरिया बहुत बड़ा है हमें नहीं पता इसका एरिया कितना है तो हम क्या करते हैं इस पूरी प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं निकालेंगे इस पूरी प्लेन शीट का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे जो मैंने ये बनाया है पेंसिल से जो बनाया है ठीक है इट इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस प्लेन शीट ठीक है इस इनफलाइन शीट का छोटा सा एरिया मैंने ये कंसीडर किया जिसको ए लिखा है ध्यान रखना ये इनफाइट शीट है कंफ्यूज नहीं होना है और इसका छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया जिसका एरिया मैंने ए कंसीडर किया ठीक है इसके बैक साइड पे देखोगे तो ये पूरे का एरिया हमें नहीं पता है कितना है इसका छोटा सा पार्ट जो कंसीडर किया उसका एरिया कितना है ए है इसके सेम ऑपोजिट साइड पे मैंने ये ड्रॉ किया ठीक है अब आपने क्या चीज करना है कि जैसे वहां पे आपने पूरी वायर consider नहीं की थी वायर का छोटा सा पार्ट लिया था और छोटे से पार्ट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी थी वायर के केस में जैसे ये बताया था पूरी वायर नहीं ली थी क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा थी तो उसका हमने स्मॉल पार्ट consider किया था सिमिलरली इसका एरिया बहुत ज्यादा है तो उसका छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जिस छोटे से पार्ट का एरिया मैंने एक कंसिडर किया तो आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकालनी है ठीक है या इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकाल लेंगे अब आप ध्यान से देखना ये शीट ऐसी है ठीक है ये शीट आपके पास ऐसे दी हुई है अगर आप इस पार्ट के यहां पे खड़े हो जाओगे तो यहां पे सारा प्लस चार्ज है और अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बनानी है बिल्कुल ध्यान से सुनना अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बनानी है तो आपको पता है कि आपको क्या चीज़ ड्रॉ करनी पड़ती है या वहाँ पर क्या चीज़ रखनी पड़ती है टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है तो अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ प्लेस करोगे टेस्ट चार्ज तो प्लस होता है तो ये प्लस विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन तो वह यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा होगा वो इस पॉइंट से दूर जाएगा ठीक है और जो टेस्ट चार्ज की मूवमेंट होती है वही आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की मूवमेंट होती है यानी कि ये ऐसी डायरेक्शन देगा ये ये पिक मुझे क्या चीज शो कर रही है इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेन शीट से बाहर की तरफ ठीक है और अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो तो ये मैंने क्या बना दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बताई ठीक है कि यहां से दूर जाएगी वैसे ही अगर आप अब ये इतना बड़ा सरफेस है तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक तो निकलेगी नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे बाहर की तरफ ठीक है ऐसे ऐसे बनानी है आपने, तो इस से जो मैंने छोटा सा लिया, आपने छोटे से की वैसे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है तो आप देखोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कितनी है तो आपके पास छोटा सा पार्ट है यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेंगी वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और रेडली कैसी होंगी आउटवर्ड यानी कि जब आप शीट को ऐसे देखोगे और आप इस तरफ राइट हैंड साइड देखोगे तो डायरेक्शन ऐसी आएगी, बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप प्लेन के लेफ्ट साइड खड़े हो जाओगे यहां पे, तो यहां पे पे ठीक है है तो भी प्लस चार्ज है। लेकिन अगर आप पेपर के राइट हैंड साइड खड़े हो जाएंगे अब ये देखो ये राइट साइड है अब ये लेफ्ट साइड है अगर आप लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करोगे तो वो यहां पर टेस्ट चार्ज रखना अब अब टेस्ट चार्ज क्या करेगा इस प्लस से तो दूर ही जाएगा ठीक है इस वाले प्लस से दूर जाएगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी तो जब आप ज, जब भी, भी आप इस प्लेन शीट के राइट हैंड साइड खड़े हो जाओगे तो आपका प्लस चार्ज जो है टेस्ट चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड को मूव करेगा और अगर टेस्ट चार्ज आप यहां प्लेस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन यहां आएगी तो आप ध्यान से देखो जब आप प्लेन शीट ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आप प्लेन शीट लोगे तो अगर आप लेफ्ट साइड लोगे तो प्लेन शीट के लेफ्ट साइड जो टेस्ट चार्ज है वो इस तरफ को मूव करेगा ठीक है यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे है और राइट हैंड साइड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसी है राइट हैंड साइड को तो आपको मैंने क्या चीज बोली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है कि मान लो आपने पी पॉइंट लिया है ठीक है तो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड पता करनी है कि यहां पे प्लेन शीट के यहां पे क्योंकि वहां पे पेपर में टू डायमेंशन पिक्चर आई है तो थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन एक्चुअल डायग्राम इसका ऐसे है इफ यू आर टेकन अ पॉइंट पी ठीक है एट ए डिस्टेंस आर तो ये प्लेन शीट है तो अगर आप यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट यहां लोगे और आर डिस्टेंस पे पॉइंट यहां लोगे ठीक है तो दोनों से प्लेन शीट पे जो डिस्टेंस है वो सेम है आर डिस्टेंस पे तो याद रखना पी पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड वो सेम ही आएगा क्यों सेम आएगा क्योंकि ये इतना सा पार्ट मैंने लिया है इसका एरिया ए है और इसके यहां पर भी मैंने पार्ट लिया है इसका एरिया भी ए है इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड करती है कि उस छोटे से पार्ट में कितने चार्जेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किए है तो अगर ये एरिया ए है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है शीट के ऊपर तो अगर इस सर्कल पार्ट के अंदर दस चार्जेस आएंगे तो आपका यहां पे ये भी तो सेम एरिया है सेम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां से भी कितने चार्जेस होंगे टेन ही होंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो डिपेंड वन बाय फोर पाई अप साइलेंट ऑट क्यू बाय आर चार्ज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो यहां पे भी टेन चार्जेस हैं और यहां पे भी टेन चार्जेस हैं ठीक है दोनों चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी आर आर पे लिए तो डिस्टेंस भी दोनों का सेम है तो जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड आर डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे आएगी बस फर्क किस चीज़ का होगा डायरेक्शन का इन केस ऑफ लेफ्ट साइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एक्टिंग इन द माइनस एक्स एक्सिस और इन केस ऑफ राइट हैंड साइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज एक्टिंग ऑन द प्लस एक्स एक्सिस ठीक है सिर्फ डायरेक्शन डिफर करेगी बट द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम ये ध्यान रखेंगे आप ठीक है अब हमें क्या चीज़ करनी है अब नेक्स्ट बहुत सिंपल और थोड़ा ध्यान से देखने वाला हमें जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी होती है देन वी हैव टू अप्लाई अ गॉस थ्योरम ठीक है और गॉस थ्योरम में हमें क्या करना पड़ता है गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है तो हमने क्या किया है ऐसे करके एक शीट ले ली है ये अब ऐसे बनी है जबकि ये शीट ऐसी नहीं है ड्रॉ वो ऐसे की है मैंने प्लेन पेपर पेपर एक्चुअल में ऐसे है एक्चुअल में यहां रखी है तो आपने इस प्लेन शीट की वजह से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये पी पॉइंट लिया है मैंने इस पी पॉइंट पे और पी ही पॉइंट में यहां लूंगी ठीक है इक्वल डिस्टेंस पे इन दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपने निकालना है तो आपने इस प्लेन शीट से पी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया ठीक है और आपने ये पूरी शीट की बजाय क्या पार्ट कंसीडर किया इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है जिसमें क्या है आपका प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका एरिया कितना कंसीडर किया मैंने ए और अभी बताया जब आप शीट के, अब आप राइट हैंड साइड खड़े हो तो जो प्लस चार्ज है वो ऐसे आएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे कहां को होगी राइट हैंड साइड को ऐसे इस तरफ को ठीक है इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरफ को काम करेगी ऐसे शीट से बाहर की तरफ एक नहीं होगी इसके अंदर जितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स बनानी है लेकिन अगर इस छोटे से पार्ट में से मान लीजिए आप यहां से 10 फील्ड लाइन निकाल रहे हो ऐसे करके 10 टूटप लगा दो इसके अंदर तो वो सारी की सारी जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी प्लेन शीट से बाहर की तरफ ही होगी ठीक है अवे ही होगी तो आपके पास ये आई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे ई लिखा वैसे ही पी पॉइंट अब आपने इस शीट के यहाँ कंसिडर करना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कंसीडर किया मैंने आर वैसे ही इक्वल डिस्टेंस पे डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनाना आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट यहां कंसीडर किया उसको मैंने पी डैश लिखा ठीक है अब आप शीट के यहां पे खड़े हो तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अब यहां पे कॉपी पे ऐसे दिख रहा है जबकि ये ऐसे है तो अगर प्लस चार्ज की वजह से यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज को रिपल्शन यहाँ मिलेगी तो वो इस तरफ को मूव करेगा इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ई टू लिखा ठीक है ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आई अब आप क्या चीज करोगे आपको इन सरफेस बनाना होता है तो इन सरफेस कैसे बनाएंगे देखो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना यहां पे मैंने क्या किया मान लो जो मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रही हूं इस छोटे से पार्ट की वजह से यहां से इस पूरे एरिया से ट्वेंटी फील्ड लाइन निकल निकल रही है ठीक है राइट हैंड साइड पे आपकी कितनी फील्ड लाइन निकल रही है ट्वेंटी फील्ड लाइन निकल रही है इस पूरे हिस्से से तो अगर मैंने इस पूरे हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है या फील्ड निकालनी है तो मुझे वो ट्वेंटी की ट्वेंटी फील्ड लाइन किसी सरफेस में से ठीक है कितने डिग्री पे क्रॉस करवानी पड़ती है नाइनटी पे जिसे हम गोजन सरफेस बोलते हैं तो अगर मान लीजिए आपके इस ए पॉइंट से ट्वेंटी फील्ड लाइन निकल रही है तो इसके आगे हमें एक ऐसा सरफेस बनाना पड़ता है जिस सरफेस में से वो फील्ड लाइन कितनी डिग्री पे क्रॉस करके जाए उस वाले पार्ट में से कितने डिग्री पे क्रॉस करके जाए नाइन्टी पे ठीक है अब आपने क्या किया इसमें से ट्वेंटी फील्ड मैंने एक ही टूथपिक पकड़ी क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको पकड़ने में आप इसमें से ऐसे एज्यूम करो ट्वेंटी टूथपिक्स निकल रही है टूथपिक मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही है तो आपने क्या करना है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो निकल रही है फ्लक्स निकालना है तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी सरफेस को जो 90 पे क्रॉस करती है उसको तो फ्लक्स बोलते हैं तो आपने एक ऐसा सरफेस बनाना है जिसमें से वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जितनी भी है सारी की सारी वो एक सरफेस में से निकले जिस सरफेस में से 90 डिग्री में से वो क्रॉस करनी चाहिए तो हमें क्या करना है एक सरफेस बनाना है तो आप सरफेस कैसे बनाओगे सारी की सारी क्रॉस करनी चाहिए तो आप ऐसा ऐसा एक सरफेस ले लो ठीक है जिस सरफेस का सरफेस एरिया उतना ही है जितना इसका है ये देखो तो अगर इस पूरे छे, ए सरफेस वाले एरिया में से ट्वेंटी फील्ड लाइन निकल रही है ठीक है और प्लेन के प्रपेंडिकुलर तो इसके आगे आप ऐसे एक सरफेस लगा दो जिसका एरिया उतना ही हो जितना इस सर्कुलर पार्ट का है तो मैंने यहां पे लगा दिया ठीक है तो अब जितनी फील्ड लाइन इस वाले पॉइंट से निकल रही होगी, वो सारी की सारी क्योंकि सेम शेप है ठीक है वो सारी की सारी ट्वेंटी फील्ड लाइन इसमें से निकलेंगी ठीक है यानी कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नाइन्टी पे क्रॉस कर रही है ठीक है वैसे ही अगर आप यहां चले जाओगे इसके लेफ्ट हैंड साइड चले जाओगे तो यहां से भी फील्ड लाइन निकल रही है तो यहां से अब इसका एरिया भी सेम है तो अगर इसमें से ट्वेंटी निकल रही होगी तो आपको यहां पर भी एक सरफेस बनाना पड़ेगा जिसमें से फील्ड लाइन ट्वेंटी से निकले तो यहां पर यह दूसरा ले लो ये इसके सामने ऐसे लगा देना तो यहां से कैसे निकल रही है सारी की सारी ट्वेंटी की ट्वेंटी फील्ड लाइन इस वाले पार्ट से भी निकलेंगी ऐसे ठीक है कितने डिग्री पे क्रॉस करके जाएगी नाइन्टी पे अब ये शीट मैं नीचे रख रही हूं सेंटर पे मेरे पास शीट रखी है मैंने और आपने शीट के राइट हैंड साइड को ट्वेंटी फील्ड लाइन निकल रही है यहां को भी ट्वेंटी तो ट्वेंटी की ट्वेंटी फील्ड लाइन इन दो पार्ट में से कैसे क्रॉस करके जा रही है नाइन्टी पे यानी कि ये गॉज इन सरफेस बनेगा ठीक है ये गौज इन सरफेस लेकिन तब बनेगा जब ये क्लोज होना चाहिए ठीक है अब क्लोज कैसे करना अब इसको देखना नेक्स्ट यहां रखा है मैंने इसके सामने ठीक है इस वाले देखो इसका एरिया ए है तो इस पार्ट का एरिया भी क्या कंसीडर किया ए तभी इसकी सारी फील्ड लाइन यहां से क्रॉस करके जाएगी तो यहां से फील्ड लाइन निकल रही है और इसमें से कितने डिग्री पे क्रॉस करके जा रही है ऐसे नाइनटी पे नॉर्मल ऐसे ये देखो नॉर्मल ठीक है ये ऐसे रखा अब आपको इसको क्लोज करना है तो ये यहां से तो ओपन है तो आपको क्लोज क्या करना है ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना देना आपने ठीक है जिसका एरिया इसके बराबर होना चाहिए और इसके ऊपर रख देना ऐसे करके ठीक है रख दिया ए एरिया के ऊपर और यहां से जो ये पार्ट है ये बंद है ये वाला पार्ट लिया और ये इसके ऊपर मतलब जो आपने सिलेंडर बनाया उसका जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया कितना कंसीडर किया मैंने ए ठीक है अब ये ऐसे आया ये ऐसे था ये पार्ट आ गया आपका सिलेंडर क्लोज चाहिए ना तो इसको मैंने बंद कर दिया ये बंद हो गया ऐसे करके ठीक है और ये ऐसे पार्ट आ गया ठीक है और सिलेंडर के इस वाले पार्ट में क्या चीज लगी है ये वाला हिस्सा ठीक है तो अब जो आपने सिलेंडर बनाया है इस सिलेंडर के बीच में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही है लेकिन कर्व्ड सरफेस में से नहीं निकल रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस प्लेन शीट के कर्व जो आपका सिलेंडर बनाया है उसके किस पार्ट से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही है सिर्फ इस फ्लैट वाले पार्ट से और कर्व सरफेस में से कुछ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं बन रही है हमने ये सिलेंडर क्यों कंसीडर किया क्योंकि अगर खाली यही लेते तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो खाली रहता ठीक है ओपन रहता और हमें क्लोज करना पड़ता है तो क्लोज करने के लिए हमें यहां पे क्या बनाना पड़ा है एक सिलेंडर और जिसका फ्लैट सरफेस में से ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही है सर्कुलर पार्ट से नहीं निकल रही ठीक है और वैसे ही इसके पार्ट में ऐसे आ गया सिलेंडर अब आपका पिछला वाला पार्ट भी तो है ये वाला पार्ट जो है यहां से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही है राइट हैंड साइड तो अब उसको भी क्लोज करना है आपने तो उसको क्लोज करने के लिए आपने यहां पे क्या लगाया है एक दूसरा पार्ट लगाया है जिसके फ्लैट वाले पार्ट में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है लेफ्ट हैंड साइड को अब उसको भी क्लोज क्लोज करना है तो उसको क्या क्लोज करोगे ऐसे ये आती है पिक्चर ऐसे ठीक है यानी कि जो आप एक शीट कंसीडर करोगे उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स हम क्लोज सरफेस में से बनाएंगे तो जो आपका ये पार्ट दिख रहा है इसको हम इस सिलेंडर से क्लोज कर देंगे ठीक है और जो आपका दूसरा पार्ट दिख रहा है उसको हम यहां से क्लोज कर अब ये क्लोज हो गया अब ध्यान रखना कि शीट के राइट हैंड साइड यहां पे जो आपने गोजियन सरफेस सिलेंडर बनाया है उसके कर्व पार्ट में से कोई फील्ड लाइन नहीं निकल रही है फील्ड लाइन कहां से निकलेगी फ्लैट वाले से और similarly, जो लेफ्ट वाला है वहां पे भी सिलेंडर बनाया लेकिन पार्ट से को नहीं निकले कहां से कोई निकाल रहे हैं आप ठीक है और यहां पर मैंने क्या कंसिडर किया था सेम एरिया का ये ए एरिया तो इसका भी मैंने एरिया ए, ए कंसिडर किया था ठीक है जिसमें से फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करके जा रही है नॉर्मली इसके यहां पे भी पी पॉइंट पे आपने क्या कंसीडर किया था ए एरिया का अब उसको हमने क्या करना था ये शीट रखी थी उसको बंद किया था तो क्या बनाया था इसे सिलेंडर बना दिए ठीक है सिलेंडर के फ्लैट सरफेस का एरिया ये है तो उसको क्लोज कर दिया ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाना ये ये भी यहां से यहां आठ डिस्टेंस पे है और ये भी यहां से आठ डिस्टेंस पे है तो ये आपका सिलेंडर बन गया अब एक कॉपी पे ऐसे दिख रहा है ये पेज है और पेज के ऊपर से सिलेंडर जा रहा है जबकि पेज ऐसा नहीं है शीट ऐसी है ठीक है एक सिलेंडर इसके राइट हैंड साइड है एक सिलेंडर इसके लेफ्ट हैंड साइड है बस खत्म हो गया अब ये आपका फर्स्ट पार्ट आया सिलेंडर का ये सेकेंड पार्ट आ गया और कर्व्ड सरफेस कौन सा पार्ट आया थर्ड अब आप निकाल दू ये मैंने लिख दिया कंसीडर अ थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यहां पे मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए है इधर साइड आर डिस्टेंस पे या दूसरी साइड पे भी आर डिस्टेंस पे ठीक है जहां पे पी और पी डैश पे मैंने क्या चीज निकालनी है इलेक्ट्रिकल तो फील्ड स्टैम्प इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ देखो आर डिस्टेंस पे है ठीक है यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी इस छोटे से सर ये जो सर्कल मैंने कंसीडर किया है जिसका एरिया ए है उनकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है और पी डैश पे भी इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पी और पी डैश पे सेम होगी लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना था राइट हैंड साइड पे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है ठीक है डायरेक्शन ऑपोजिट है ठीक है मैग्नीट्यूड सेम है पर पी और पी डैश में डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आपने क्या किया सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि जो भी हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं जो ऐसे करके शीट के अंदर ये मेरे पास शीट और है और यहां मैंने सिलेंडर कंसीडर किया तो गोजेन सरफेस ये बना तो हमें जब भी गौश्रम लगानी पड़ती है तो गौसुर के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है जितनी भी फील्ड लाइन होती है वो सिर्फ उसी चार्ज पे डिपेंड करती है जो उस गोज सरफेस के अंदर आते हैं तो जब आप सिलेंडर बना रहे हो जब आप सिलेंडर फॉर्म कर रहे हो तो सिलेंडर में दोनों तरफ सिर्फ इतना सा ही चार्ज एनक्लोज है सर्कल वाला ये बाहर है ये नहीं है उसके अंदर तो आपने पता करना है सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है तो छोटे से पार्ट का एरिया ही है मैंने कंसीडर तो आप क्या निकालोगे

क्लोज कब रखते हैं जब एंगल हर एक पॉइंट पे गॉज सरफेस पे एक जैसा रहता है तो क्लोज रखते हैं ठीक है लेकिन एंगल जब वेरी करता जाता है गॉज सरफेस पे तो हमें इसको ओपन करना पड़ता है ठीक है अब बहुत सिंपल देखो यहाँ पे एक पार्ट ये है एक पार्ट ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे मैंने ई लिखा है ना लेकिन और यहाँ पे मैंने ई लिखा है ये भी ई e ही आएगा और ई की वैल्यू भी क्या आएगी E क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंसेज भी क्या है सेम e, तो आप यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लेन शीट के लेफ्ट हैंड साइड को है ठीक है और अगर आप इस फ्लैट सरफेस जो आपने फ्लैट सरफेस जिसका एरिया ए कंसिडर किया सिलेंडर का ये वाला पार्ट ठीक है इसका छोटा सा एरिया वैक्ट ऐसे रखा है ना सिलेंडर के यहां पे ऐसे रखा होगा इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे सिलेंडर ये है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का छोटा सा एरिया वेक्टर है यहां पे ये जो रखा है तो इसका जो आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली कहाँ आएगा आउटवर्ड को कर्व सरफेस का बनाओगे प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली आउटवर्ड और सिलेंडर के राइट हैंड साइड चले जाओगे तो आपका फ्लैट सरफेस राइट हैंड साइड पे ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली आउटवर्ड आएगा तो यहां पे मेरे पास उसे बाहर की तरफ आ गया इसका छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट का पूरे का एरिया कितना कंसीडर किया ए और इसके छोटे से पार्ट का एरिया क्या कंसीडर किया डीए इस छोटे से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या आएगी बाहर की तरफ ठीक है अगर यहां बनाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हैंड साइड है ठीक है और इसका छोटा सा पार्ट लोगे जिसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीए लिखा पूरे का क्या है ए है छोटे से पार्ट का डीए तो इसकी भी प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली क्या आएगी आउटवर्ड डायरेक्शन तो इन दोनों सरफेसेज में इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तो एंगल फर्स्ट और सेकंड सरफेस में कितने डिग्री का बना जीरो जीरो का लेकिन जब आप कर्व्ड सरफेस लोगे तो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे बाहर है कर्व सरफेस के जो नाइनटी डिग्री पे क्रॉस करे तो वो फ्लक्स देती है इस केस में फ्लैट सरफेस में से निकल रही है कर्व सरफेस में से नहीं निकल रही तो आपने ध्यान रखना है ये वाला अगर आप यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है ठीक है ऐसी मूवमेंट है उनकी तो ये अगर इसका छोटा सा पार्ट देखूंगी मैं इसका तो ये आया डी ए परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली आउटवर्ड ठीक है और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी जा रही है ऐसे ठीक है और इसका एरिया वेक्टर कैसा है ये आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड ये आ गया इसका एरिया वेक्टर तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा नाइनटी का ठीक है तो जब आप यहां खड़े हो जाओगे तो यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे पैरल है और अगर यहां पे देखोगे तो प्लेन कर्व कैसे परपेंडिकुलर में आएगा ठीक है कर्व्ड सरफेस का, का सिलेंडर की तरफ और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सिस के अलाइनटी तो का एंगल बनेगा तो जब प्लेन शीट लेते हैं तो कर्व्ड सरफेस में मैं यहां बना रही हूं इसका छोटा सा पार्ट एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है तो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हुआ नाइन्टी का चाहे यहां बना लो यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आएगी तो एंगल कितने डिग्री का बना 90 का तो कर्व्ड सरफेस में एंगल 90 का बन रहा है यानी कि एंगल वेरी कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन क्या करनी पड़ेगी ओपन तो ये आ जाएगा मेरे पास ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इन टू एबसाइल नॉट और ओपन कर दिया तो यहां पे सर्कल नहीं लगाना है और डॉट लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटीज पे एरो लगाना है ठीक है तो आपके पास ई डॉट डी एस पहले सरफेस में जीरो डिग्री का यहां पे भी जीरो का और तीसरे में कितने का है? नाइनटी का तो यहां पे मेरे पास बनेगा ई डी एस कॉज जीरो डिग्री प्लस ई डॉट डी एस ओपन किया मैंने ई डी एस कॉज जीरो डिग्री थर्ड वाले में ई डी एस कॉज नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू सिगमा ए बाय एपसाइलनोट कॉ जीरो कॉ जीरो यहां पे मेरे पास सिर्फ ई बचेगा फर्स्ट में यहां पे ई और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो सिग्मा ए बाय एपसाइल नॉट अब जो लाइन चार्ज में मैंने करवाया था पिछले कल उसमें लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस के 90 डिग्री पे निकलती है और फ्लैट के पैरेलल होती है तो फ्लैट सरफेस फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता ये वर्टिकल पोजिशन है ये हॉरिजोटल है जो यहां करवाई है यहां पे फ्लैट सरफेस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस में ही लाइन बाहर निकल रही है और कर्व नहीं करते तो कर्व में 90 का एंगल बनता है ठीक है इसको ओपन किया तो ये है फर्स्ट सरफेस ठीक है ये सेकेंड ये भी इससे सेम डिस्टेंस पे ये भी सेम पे है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इस पूरे सरफेस पे ये देखो ये पूरा सरफेस है ये फ्लैट वाला तो ये तो पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है यानी कि इस पूरे पार्ट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो एक जैसा ही होगा सिमिलरली यहां पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा सेम लेकिन अगर आप यहां खड़े हो जाओ यहां खड़े हो जाओ यहां खड़े हो, हो जाओ तब वेरी करेगा लेकिन अभी मैंने क्या देखा जितना मैंने कैलकुलेट अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड फ्लैट सरफेस में एक जैसा ही होगा तो यहां पे मैंने यूनिफॉर्म है ये भी यूनिफॉर्म है तो ये बाहर निकला इंटीग्रेशन ऑफ डीएस फर्स्ट सरफेस बाहर निकला इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस सिग्मा ए बाय एपसाइल नॉट जब डी एस डी एस फ्लैट सरफेस के छोटे छोटे पार्ट आप ज्वाइन करोगे तो उसका पूरा एरिया बनेगा और पूरा एरिया कितना है ए तो मेरे पास ये आया ई इन ए प्लस सेकेंड का एरिया भी ई इन ए सिग्मा ए बायसाइल नॉट इट इज इक्वल टू टू ई ए बाय एपसाइलन नॉट ए से ए कैंसल आउट हुआ सो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू अब साइलेट ऑट ई आई इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लेन शीट इन्फेनाइट प्लेन शीट ठीक है अब यहां पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाय टू एपाइलेनोट होती है वैसे ही आर डिस्टेंस पे यहां लोगे तो भी क्या होगी सिग्मा बाय टू चीज ध्यान रखना सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तो एक जैसी रहेगी ठीक है नॉट कॉन्स्टेंट है तो यहां याद रखना कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कैसी वैल्यू आ रही है कॉन्स्टेंट वेरी नहीं कर रही जब तक सिग्मा कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब आपने यहां पे चार्ज एक जैसा बांटा होगा चेंज नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज नहीं होगी यानी कि जब आप प्लेन शीट के यहां पे खड़े होंगे या यहाँ पे खड़े होंगे या यहाँ पे खड़े होंगे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती ये इंडिपेंडेंट है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड टू न्यूटन है तो यहाँ पे भी टू न्यूटन होगी और यहाँ पे भी क्या होगी टू न्यूटन सॉरी न्यूटन कूलम इनवर्स ठीक है चेंज नहीं होती यानी कि जब भी आप प्लेन शीट लेते हो प्लेन शीट के केस में यहाँ पे यहाँ पे जितने लॉन्गर डिस्टेंस पे चले जाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है दोनों तरफ मेरे पास सेम आती है ओके